आज के वीडियो में जीवन की उत्पत्ति अथवा ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद अथवा अंग्रेजी में कहें तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को उदाहरण और चित्र सहित समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने आजीवा जीवोत्पादन का खंडन किया। अब आजीवा जीवोत्पादन में क्या था, तो उसमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो जीव हैं ये निर्जीव पदार्थों से इनका जन्म होता है। जीवों का कैसे जन्म हुआ है, निर्जीव पदार्थों से जन्म हुआ है। जबकि जो जीव जननवाद है, जो जीवोत्पत्तिवाद है, इसमें वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया है। हार्वे ने जीव जननवाद प्रस्तुत किया। जो हार्वे थे इन्होंने जीव जननवाद या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रस्तुत की और इसके अनुसार वर्तमान दशा में पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि अगर वर्तमान दशा को देखा जाए तो जो पृथ्वी है इस पर निर्जीव जो पदार्थ हैं उन निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते हैं। पहले से विद्यमान जीवों के अंडों, बीजों या बीजाणुओं से ही नए जीव बन सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि पहले से अगर कोई जीव है, उसका अंडा है या उसका बीज है या उसका कोई बीजाणु है, तो ही उससे जीव बन सकते हैं, अन्यथा निर्जीव पदार्थों से जीव नहीं बन सकते हैं। तो इस मत के समर्थन में तीन प्रमुख वैज्ञानिकों ने जो सहयोग दिया है, जो प्रयोग प्रस्तुत किए हैं, उसमें से पहला है फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग आपको बताते हैं, यानी रेडीज एक्सपेरिमेंट। तो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने सन 1668 में अग्र प्रयोग द्वारा स्वतः जननवाद का खंडन किया। यानी रेड्डी ने भी क्या कहा कि जो जीव हैं वो निर्जीव पदार्थों से उनका जन्म नहीं होता है। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने कुछ मछलियों को पानी में खूब उबाला ताकि उनमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएं। पहले तो पानी में उनको खूब सारा उबाला, उबालने से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसीलिए इसको खूब देर तक उबाला। अब उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा, अलग अलग 3 जार लिए और तीनों जार में मछलियों को रखा जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, और एक जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दिया और तीसरे जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। इस तरह से रखा जैसे रखी हुई है। कुछ दिनों बाद देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के लार्वा बन गए हैं। जो पहला जार खुला था उसमें कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मक्खियों और अन्य कीटों के लार्वा बन गए थे, किंतु दूसरे जार पर मक्खियों ने उसी मुख पर जो बंधा मलमल का कपड़ा था उसी के ऊपर अंडे दिए थे, और तीसरे जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। इस प्रयोग से रेड्डी ने यह सिद्ध कर दिया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही लार्वा और उनसे नई मक्खियां बनी हैं। यानी मांस पर जो मक्खियों ने अंडे दिए उसी से लार्वा बने, उन्हीं से नई मक्खियां बनी, जबकि वो जो निर्जीव पदार्थ थे उनसे नहीं बनी थी। अब दूसरा प्रयोग है लेजेरो स्प्लेंजनी का प्रयोग। लेजेरो स्प्लेंजनी का प्रयोग है, तो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेजेरो स्प्लेंजनी ने पौधों व जानवरों के सोर्बे को बंद फ्लास्क में पर्याप्त समय तक उबाला। पौधों का कुछ मलबा लिया, कुछ जानवरों का मलबा लिया और उसको एक बंद फ्लास्क में खूब समय तक उबाला, जिससे कि उसमें उपस्थित जीव नष्ट हो जाए। उबाला किस लिए, ताकि उसमें जो जीव हैं वो मर जाएं, बैक्टीरिया जो हैं वो नष्ट हो जाएं। तुरंत फ्लास्क को भली प्रकार से बंद करके वायुरुद्ध कर दिया। उबालने के बाद क्या किया कि तुरंत ही अच्छी तरह से उसको वायुरुद्ध कर दिया ताकि उसमें बाहर से कोई वायु न जाए, यानी फ्लास्क के अंदर वायु प्रवेश न कर सके। इस फ्लास्क में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही सोरबा सड़ा। तो उसका कहना था, यानी उनका कहना था कि वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं जो खुले मांस या सोरबे पर पहुंचकर नए सूक्ष्म जीव उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जो वायु है इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर आप कोई चीज खुली छोड़ देते हैं तो वो सूक्ष्म जीव वहां पहुंच जाते हैं और उन्हीं से नए सूक्ष्म जीव बन जाते हैं। ये चीज इन्होंने बताई। अनेक वैज्ञानिकों ने लेजेरो के प्रयोगों और
उसके परिणामों को यह कहकर विरोध किया कि स्वतः जनन के लिए वायु आवश्यक है। लेकिन कुछ और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि स्वतः जनन के लिए वायु जरूरी है, एयर आवश्यक है। चूंकि लेजेरो ने फ्लास्क को वायु रुद्ध कर दिया था, वायु नहीं गई, इस कारण नए जीव की उत्पत्ति ना हो सकी। अब तीसरा प्रयोग है लुई पाश्चर का प्रयोग। तो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल या ईस्ट के पाउडर से आधा भरा और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस के आकार यानी हंस की जैसे गर्दन होती है, हंस की गर्दन जैसे मोड़ दिया। अब फ्लास्क के घोल को खूब उबाला, जो फ्लास्क में घोल था उसको खूब उबाला, जिससे कि फ्लास्क की सारी हवा एस नली में से बाहर निकल जाए। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा ही और ना ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने, यानी उसमें ना तो वो घोल सड़ा और ना ही किसी प्रकार के जीव बने। यद्यपि यह मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था, क्योंकि ये वायु के सीधे संपर्क में था भाई। लेजेरो वाले में लोगों ने बताया कि हाँ इन्होंने हवा नहीं दी इसलिए जीव नहीं बने, तो इसमें लुई पाश्चर ने क्या किया कि हवा दी, यानी हवा के संपर्क में थे, वायु के संपर्क में था, तब भी जीव नहीं बना। इसका कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर जाती थी, वह अन्य सूक्ष्म जीव नली में फंस जाते थे, यानी जो मुड़ी हुई नली थी उसमें बैक्टीरिया नहीं जा पाते थे, वायु तो चली जाती थी। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ी गई, उसकी नली को तोड़ा गया जो मुड़ी हुई थी, तो उसके तरल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए, क्योंकि वो उसी में फंस गए थे, इसलिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव बन गए निकले। इस प्रकार पाश्चर ने सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रहित मांस के सोर्बे में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है, यानी अगर जीवाणु उसमें ना हो, उसमें सूक्ष्म जीव ना हो, तो कैसा भी शोरबा हो उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं बनेगा, जीव बनना असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इसी को जीवात जीव जननवाद कहा जाता है या जीवोत्पत्तिवाद कहा जाता है। मतलब लुई पाश्चर ने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होगी, निर्जीव पदार्थों से नहीं होगी। इस प्रकार से जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद अथवा कहें तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है, निर्जीव पदार्थों से नहीं हुई है। यह जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत था। नेक्स्ट वीडियो में जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत यानी प्रकृतिवाद लेकर के आएंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।